हेलो स्टूडेंट, एलाइट एग्ज़ाम पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन विच आर मोस्टली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक SSC, PSC, UPSC एंड मैनी एग्जामिनेशंस। सो लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 24th ऑफ मार्च। यस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व ऑन 24th ऑफ मार्च ईच ईयर एंड इट इज डिजाइंड टू बिल्ड अ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड एफर्ट टू एलिमिनेट दिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता टू इंग्लिश? हु ट्रांसलेटेड द भगवद गीता टू इंग्लिश? द राइट आंसर इज चार्ल्स विकिंस। सर चार्ल्स विकिंस वॉज एन इंग्लिश टाइपोग्राफर एंड ओरिएंटलिस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज रिमार्केबल वर्क एज अ ट्रांसलेटर ऑफ भगवदगीता टू इंग्लिश अलॉन्ग साइड पंचानन करमारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सिल्वर इज फाउंड? सिल्वर कहाँ पाया जाता है? द राइट आंसर इज राजस्थान। इंडिया डजंट हैव रिच डिपॉजिट ऑफ सिल्वर एंड मोस्ट ऑफ द सिल्वर प्रोडक्शन इज बाई प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स जिंक लेड कॉपर एंड गोल्ड। ज्वार माइंस इन उदयपुर इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन इन द कंट्री। तो सबसे ज़्यादा आपका उदयपुर का ज्वार माइंस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्वर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ लोहरी इज सेलिब्रेटेड? लोहरी कब मनाया जाता है? सो इट्स जनवरी, 13th ऑफ जनवरी ऑफ एवरी ईयर लोहरी इज सेलिब्रेटेड एंड इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर विंटर टाइम पंजाबी फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमली बाय सिख एंड हिंदूज फ्रॉम पंजाब रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन अराउंड द साउथ पोल इज नोन एज? साउथ पोल का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द अर्थ सदर्न मोस्ट पार्ट कॉन्टिनेंट। इट कंटेन्स जियोग्राफिक साउथ पोल एंड इज सिचुएटेड इन द अंटार्कटिक रीजन ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर सती सिस्टम इलीगल एंड पनिशेबल? सती सिस्टम को इलीगल और पनिशेबल किसने बताया? तो राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बंगाल सती रेगुलेशन और रेगुलेशन 17 इन द ब्रिटिश इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बाय देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक विच मेड प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम इलीगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था? द राइट आंसर इज बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन एशिया फाउंडेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी पब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया कैपिटल कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम? हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है? द राइट आंसर इज पंजाब। पंजाब हैज हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम दैट इज 151,624 इन इंडिया फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। After India achieved independence, a formal model of planning was adopted. And according to the Planning Commission, reportingly directly to the Prime Minister of India, was established on 15th of March 1950 with the Prime Minister Jawaharlal Nehru as the chairman. Next question, which of the following infectious stage of the malaria parasite, malaria ka parasite jo hai, uska kaun sa infectious stage kehlata hai? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट जो है ये मोटाइल स्पोर्ट लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सम पैरासिटिक स्पोरोजोन्स मलेरिया ऑर्गेनिज्म विच इज टिपिकली इन्फेक्टिव एजेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आसन्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार पोज में कितने आसन होते हैं? तो राइट आंसर इज 12। सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो नोन एज सन सैल्यूट। इट्स वेरी सिस्टमेटिक टेक्निक्स विच कम्बाइंस 12 आसनास इन अ योगा सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मरकरी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट? इनमें से कौन सा मरकरी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा मरकरी का पार्ट है? द राइट आंसर इज सिनेबार।
द केमिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज एच जी एस. मरकरी का क्या है केमिकल फार्मूला? एच जी एस. एंड इट्स मोर कॉमन रेड, जिसको सिनेबार बोला जाता है, और दूसरा है रेयर ब्लैक, जिसको बोला जाता है मेटा सिनेबार. तो ये दो फॉर्म होते हैं मरकरी के. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पार्ट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो प्राइमरी पार्ट कौन सा होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन. द राइट आंसर इज प्रोपेन. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द सिंपली प्रोपेन और ब्यूटेन. आज फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज यूज एज अ फ्यूल इन हीटिंग अप्लाइंसेज, कुकिंग इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन 2016 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ईयर अवार्ड? द राइट आंसर इज नोवाक डिजकोविक. नोवाक डिजकोविक ऑफ सर्बिया हैज वॉन 2016 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन बर्लिन, जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मिथेन इज देयर, नाइट्रस ऑक्साइड इज देयर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज देयर, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. तो राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस इज इन एटमोसफियर दैट अब्सॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएशन विद अ थर्मल इंफ्रारेड रेंज. दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमोसफियर आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वॉट इज द नंबर ऑफ द शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पहले थे 8, फिर उसके बाद 4 और जुड़ गए तो हो गए 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज सेमोर क्रे. सेमोर क्रे वॉज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्ट हु डिजाइन अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स दैट वर फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ डेकेड्स एंड फाउंडेड क्रे रिसर्च विच बिल्ट मेनी ऑफ दिस मशीन्स कॉल्ड फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव कवर इन द कंट्री? सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहाँ पाया जाता है? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ मैनग्रोव इन इंडिया कवरिंग 2097 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रीजन फॉलोड बाई गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, तो दूसरा नंबर पर आता है गुजरात और तीसरे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first administrator statement to attempt planning as a means for economic development? इनमें से कौन से एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेटमेंट जो हैं जिन्होंने प्लानिंग को आर्थिक विकास के लिए यूज किया? तो राइट आंसर इज एम विश्वेश्वरा. एम विश्वेश्वरा वॉज एन इंडियन इंजीनियर स्कॉलर स्टेट्समैन एंड दीवान ऑफ मैसूर From 1912 to 1918, he received India's highest honor, Bharat Ratna, in 1955. He was knighted as a knighted commander of British India Empire by King George V for his contribution to the public goods. Next question: Who has been appointed as a new Deputy National Security Advisor? New Deputy National Security Advisor. The right answer is Rajinder Khanna. The former RAW chief Rajinder Khanna, 1978 batch, Research and Analysis Wing Service RAS officer, has been appointed as a new Deputy National Security Advisor on January 2, 2018 without fixed tenure, would remain at the post until the further orders. Next question, which of the following plans aimed at the removal of poverty and attainment of the self-reliance? Which plan, इनमें से कौन सा 5-year प्लान में जो है पॉवर्टी को हटाना और सेल्फ रिलायंस पे भरोसा करना, सेल्फ रिलायंस पे, ये कौन सा था? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? इस फिफ्थ 5-year प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स? थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स किस थ्योरी पे बेस्ड था?
एनर्जी मैटर मोमेंटम चार्ज। तो ये बहस था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी पे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ वर्जन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी adapted for thermodynamic system. The law of conservation of energy states that the total energy is an isolated system is constant. Energy can be transformed from one form to another, but can neither be created nor be destroyed. Next question. Alpha toxins are produced by. Alpha toxin किसके द्वारा produce किया जाता है? Bacteria, fungi, algae, virus. तो fungi is the right answer. Alpha toxins are the family of toxins produced by certain fungi that are found on the agriculture crops such as maize, peanuts, cotton seeds and tree nuts. Next question. The unit of electrical resistance of a conductor is. Unit electrical resistance ka unit kya hota hai? The right answer is ohms. Resistance is measured in ohms. 1 ohms is equal to 1 volt of a electrical difference per 1 ampere of current. Next question. The last question is cyanide poisoning causes death in a second because of. It causes cardiac arrest. It breaks the electron transparent chain. It causes paralysis of red blood cell or it denatures enzymes of the heart cells. The right answer is B. It breaks the electron transparent chain. The mechanism of toxicity occurs because of cyanide stops the cells of the body from being able to use oxygen. साइनाइड क्या करता है? ऑक्सीजन जो ब्लड सप्लाई करता है वो बंद हो जाता है साइनाइड के कारण। विच सेल्स ऑल द सेल्स नीड टू बी सर्वाइव। अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सेल्स और सेल्स डेड हो जाएंगे। इससे द सिस्टम सिम्टम्स ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग्स आर सिमिलर टू द टूज एक्सपीरियंस व्हेन हाइकिंग और क्लाइंबिंग एट द हाई एटीट्यूड इंक्लूड जनरल वीकनेस एंड कन्फ्यूजन्स। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन। उम्मीद है ये सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइड एग्जाम।